हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इनवर्स मावियों का इनवर्स पढ़ा दिया था, तो उसमें परिभाषा प्रतिबंध सहित बता दी थी। अब उसकी थ्योरम कल हमने पिछले वीडियो में हमने एक पढ़ाई थी, अब हम इसकी अगली थ्योरम पढ़ाएंगे, दूसरी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यदि ए व बी एन कोटि, एन कोटि का मतलब एन पंक्तियाँ होंगी और एन स्तंभ होंगे, एन कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों, तो ये हमें सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो परिभाषा को दिमाग में रखेंगे कि यदि ए व बी दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यदि ऐसा होता है तो बी को हम ए इनवर्स कह देते हैं, बी को हम ए का व्युत्क्रम कहते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पर ए व बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं और किस कोटि के हैं, एन कोटि के हैं, तो ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो ए बी का इनवर्स दिया गया है, तो ए बी को हम पहला आव्यूह मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट है, और ये बी इनवर्स जो इसका इनवर्स बराबर में लिखा हुआ है, ये आव्यूह है हमारा सेकंड। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इन दोनों की गुणा हम किसी भी क्रम में करें, भाई ये आव्यूह है जिसका इनवर्स किसका इनवर्स लिख रहे हैं, ए बी का, तो जिस आव्यूह का इनवर्स लिख रहे हैं वो पहला आव्यूह होगा, तो इसको हमने फर्स्ट मैट्रिक्स मान दिया, ए बी पहला, और जो इधर इसका इनवर्स जो बराबर में ये लिखा हुआ ये दूसरा आव्यूह है। जैसे ए पहला आव्यूह था और बी हमारा दूसरा आव्यूह था, तो यहाँ पर ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यदि ऐसा है तो बी बराबर ए इनवर्स, ये हम ले आते थे। ठीक ऐसे ही यहाँ भी हमने पहला किसको माना है, ए बी को, और दूसरा आव्यूह हमने बी इनवर्स, इसके इनवर्स को मान लिया जो ये दिया गया है इधर। अब इनकी गुणा हम पहले ए बी की गुणा इससे करेंगे, तो जब इन दोनों की हम गुणा करते हैं पहले दूसरे आव्यूह की तो आई आता है, दूसरे पहले आव्यूह की गुणा करते हैं तो भी आई आता है, तो पहले में बी की इससे गुणा करेंगे और फिर इसकी इससे गुणा करेंगे, बी इनवर्स इनवर्स की इससे। तो यहां पर जब इन दोनों का गुणनफल किसी भी क्रम में आई आएगा तो हम इसका इनवर्स ये कह देंगे। देखिए यहां पर हम यहीं से शुरुआत इसकी करते हैं, उपपत्ति या फिर इसको लिखेंगे प्रूफ। तो यहां पर देखिए कैसे क्या होगा, तो ए बी की गुणा हम करेंगे B इनवर्स A इनवर्स, चूंकि ये व्युत्क्रमणीय है इसलिए गुणन के सहचर नियम का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा। A अलग कर लेते हैं B इंटू बी इनवर्स, और ये A इनवर्स, यहाँ से हमने A को पृथक कर दिया, यहाँ से A इनवर्स को, B भी इनवर्स एक साथ आ गया, और ये किस नियम के अंतर्गत किया, गुणन के सहचर नियम के अंतर्गत, बराबर ही आ जाएगा A, इसका मान आएगा I A इनवर्स, तो A की गुणा, जैसे यहाँ पर B इंटू बी इनवर्स है, कोई भी आव्यूह हो उसकी गुणा हम उसी के इनवर्स से करेंगे तो I आ जाएगा। यहाँ पर देखिए A इंटू आई एन लिखते हैं क्योंकि लिखा हुआ है N कोटि के आव्यूह है, तो यहाँ पर A इंटू आई एन लिखे, चाहे आई एन इंटू ए इनवर्स लिखें, जिससे इसकी गुणा करेंगे वही आएगा, तो ये बचेगा A A इनवर्स, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा आई एन। देखिए जब हमने ए बी की गुणा बी इनवर्स ए इनवर्स से की तो हमारा आ गया आई एन, इसी तरह से जब हम बी इनवर्स ए इनवर्स को पहले कर लेंगे, ए बी को बाद में कर लेते हैं, तो ए इनवर्स इधर है ए इधर है, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, ए इनवर्स ए को और बी को अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स, ये आएगा आई एन, यहाँ पर आएगा बी, तो ए इनवर्स ए की गुणा आई एन, जैसे बी बी इनवर्स आई एन कोटि का इकाई या व्यू, वैसे ही ए इनवर्स ए आई एन हो जाएगा, आई एन गुणे में है हट जाएगा, या किसी भी आप व्यू से इसकी गुणा करो, बी से करेंगे बी आ जाएगा, बी इनवर्स से करेंगे बी इनवर्स आएगा, तो ये आ जाएगा आई एन। ये इन दोनों का गुणनफल भी किसके बराबर आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स
इंटू ए बी, इन दोनों का गुणनफल भी किसके बराबर आ गया, आई एन के। तो यहाँ पर देखिए पहला आव्यूह गुणे दूसरा आव्यूह बराबर आई एन, यहाँ दूसरा आव्यूह गुणे पहला आव्यूह बराबर आई एन, दोनों की गुणा किसी भी क्रम में करें क्या आता है आई एन। तो लिखेंगे इसलिए ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से ये सिद्ध किया था, इसी थ्योरी से सिद्ध किया, पहला गुणे दूसरा बराबर दूसरा गुणे पहला, तो गुणा किसी भी क्रम में करें आई ही आया, तो इसलिए पहले आव्यूह का जो व्युत्क्रम होगा इनवर्स होगा वो दूसरा आव्यूह होगा, तो ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। ये थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पाँच अंक में ये पूछ ली जाती। देखिए जो अगला टॉपिक है प्रमेय के बाद, अगला टॉपिक है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, अर्थात आव्यूह ए है तो ए इनवर्स ज्ञात करना। देखिए इसमें तो यहाँ पर हम पहले ये समझेंगे कि आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में प्रारंभिक संक्रिया कैसे लगाएंगे, प्रारंभिक संक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर हमने पंक्तियाँ पढ़ी हैं, स्तंभ पढ़े हैं, जैसे पहली पंक्ति को हम नाम दे देते थे R1, R1 पहली पंक्ति है, R2 नाम देते थे तो ये दूसरी पंक्ति थी, R3 नाम देते थे तो ये तीसरी पंक्ति थी। इसी प्रकार कॉलम में C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम एंड C3 थर्ड कॉलम। तो ये प्रारंभिक संक्रिया में ये जानना बहुत आवश्यक है कि R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या, C1 C2 C3 ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक आव्यूह हमने लिख दिया 1 0 -1, 2 4 -3, 2 5 6, तो यहाँ पर इस आव्यूह को हम दो बार लिखते हैं क्योंकि पंक्ति अलग बनाएंगे और स्तंभ अलग। तो यहाँ पर 1 0 -1, 2 4 -3, 2 5 6, ये हम पहले इसमें हम पंक्ति और स्तंभ जान लेते हैं। तो ये जो है हमारी ये जो है ये तीनों अवयव जो हैं वो R1 के अवयव हैं, ये हमारी फर्स्ट रो है। इसी प्रकार से जो ये इसके नीचे है ये क्षैतिज रेखा जो बन गई है हमारी, ये हमारी कौन सी रो है, सेकंड रो है। और जो ये तीसरी बनी है ये 2 5 6 जिसके अवयव हैं, ये हमारी कौन सी रो है, तीसरी। ये तीसरी पंक्ति इसको R3 का, इसको R1 कहेंगे, ये R2 है, ये R3। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये जो पहली ऊर्ध्वाधर रेखा बनेगी इसके अंतर्गत तीन अवयव आ रहे हैं, तो ये हमारा C1 है, अर्थात फर्स्ट कॉलम। जो ये अवयव हैं ये पहले स्तंभ के अवयव, ये पहले स्तंभ का पहला अवयव, पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, पहले स्तंभ का तीसरा अवयव। ठीक इसी तरह से ये दूसरे स्तंभ के अवयव हैं, दूसरे स्तंभ का पहला अवयव 0 है, दूसरा अवयव 4 है, तीसरा अवयव 5 है। इसी प्रकार से ये तीसरा स्तंभ। ये आव्यूह जब हमने पढ़ाना शुरुआत किया था तो उसमें हमने बताया था, जब पढ़ाना प्रारंभ किया तो हमने बताया था कि R1, R2, R3 क्या होते हैं, C1, C2, C3 क्या होते हैं। फिलहाल यदि वहाँ थोड़ा सा डाउट रहा तो यहाँ समझ लीजिए, पहली पंक्ति पहली क्षैतिज रेखा, दूसरी पंक्ति दूसरी क्षैतिज रेखा, तीसरी पंक्ति तीसरी क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पर तीन यहाँ पर संख्याएँ हैं तीसरी पंक्ति में, कभी कभी 4 संख्याएं हो जाती हैं, वो तो कोटि पर निर्भर करेगा कि एक पंक्ति में कितने अवयव होंगे, एक कॉलम में एक स्तंभ में कितने अवयव होंगे, वो कोटि पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए R1, R2, R3 कैसे, C1, C2, C3 कैसे लिखा। अब इसके बाद में जहाँ हम लिख देंगे C1 तो वहाँ पर मतलब है पहला स्तंभ। अब प्रारंभिक संक्रिया में जो पहला पॉइंट है हमारा, जो फर्स्ट पॉइंट है, उसमें हम क्या करते हैं, आव्यूह जो दिया गया है तो उस पर जब हम प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं तो जो आव्यूह हमें प्राप्त होते हैं वो समतुल्य या तुल्य आव्यूह प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जब हम संक्रिया लगा सकते हैं तो पहली संक्रिया क्या लगा दें, यहाँ पर पंक्ति किसी भी किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में रूपांतरित कर सकते हैं। जो ये दोनों तरफ तीर लगा हुआ है इसका मतलब है R1 को परिवर्तित किया R2 में और R2 को परिवर्तित किया R1 में। इसको हम ऐसे भी लिख देंगे R1 को परिवर्तित किया R2 में,
कॉमा आर टू को परिवर्तित किया आर वन में, तो ये तीर दोनों तरह से लगेगा, चाहे हम ये लाइन समझें चाहे ये लाइन समझें। एक तीर लिखा, एक तीर बना होगा, तो आर वन को परिवर्तित किया है आर टू में, जो आर वन है उसको हमने आर टू में परिवर्तित कर दिया, और जो आर टू है उसको हमने आर वन में, यहाँ पर आर वन में परिवर्तित कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों का एक दूसरे में रूपांतरण किया गया, दोनों पंक्तियों का, दोनों पंक्तियों को इंटरचेंज किया गया, स्थानांतरण किया गया, इसलिए दो तीर लगाते हैं। एक पंक्ति का करेंगे केवल एक तीर लगाएंगे। इसके बाद पहले इसी तरह कॉलम में भी लिख देते हैं, C1 एक तीर लगाया हमने C2, तो इसका मतलब जो C1 है उसको पहले स्तंभ को हमने दूसरा स्तंभ बना दिया है। अब आगे लिखते हैं C2 को हमने बदल दिया, C2 C3 इस तरह से, तो C2 को C3 में, मतलब दूसरा स्तंभ जो है उसको हमने तीसरा स्तंभ बना दिया। एक तीर का मतलब ये होता है। अगर दो तीर लगे हैं तो C1 C2, मतलब C1 को C2 में और C2 को C1 में परिवर्तित किया, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में और दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ में हमने परिवर्तित कर लिया है। ये प्रारंभिक संक्रिया का पहला नियम है कि यदि हम चाहें, हमें हमारी आवश्यकता है, क्वेश्चन में ये आवश्यक है कि दो पंक्तियों का आपस में रूपांतरण कर दिया जाए या किसी एक पंक्ति को कि दूसरी पंक्ति बना दी जाए, तो हम ये कर सकते हैं। जो आव्यूह बनेगा वो तुल्य आव्यूह बनेगा, उसके मान पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आव्यूह निकाय होते हैं, पंक्तियों एम पंक्तियों और एन स्तंभों की बनी आयताकार सारणी, वो एक निकाय होती है, उसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जो इसका दूसरा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होता है ये देख लीजिए, सुन लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। जैसे हम यदि हमारी आवश्यकता, जैसे हमें कहीं तीन से गुणा करनी पड़े किसी पंक्ति की या किसी भी स्तंभ की, R1 R2 R3 या C1 C2 C3, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ की किसी भी अशून्य संख्या से गुणा की जा सकती है। जैसे R1 की गुणा हमने यदि K से कर दिया, तो इसको लिखेंगे कि R1 में परिवर्तन किया, कि R1 की गुणा हमने K से कर दी। तो R1 की गुणा जब K से करेंगे तो R1 के तीनों अवयव की गुणा K से हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम R2 में लिख दें कि CR2, तो अर्थात R2 में हमने क्या परिवर्तन किया कि R2 के जितने भी अवयव थे, दो थे अवयव, तीन थे अवयव, यहाँ तीन हैं, तो तीनों की गुणा C से हो जाएगी। इसी प्रकार से R3 में यदि परिवर्तन करेंगे, लिख दिए K-R3, अर्थात R3 के जितने भी अवयव हैं उनकी गुणा हमने K- से कर दी। तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयवों की गुणा हम किसी अशून्य संख्या से कर सकते हैं। अब जीरो से मत कर देना, अशून्य संख्या का मतलब वो जीरो के अतिरिक्त कोई संख्या हो, प्लस से भी कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं, मेनली प्लस लेकर चलते हैं क्योंकि माइनस में गलतियां होने का डर रहता है। ये दो संक्रियाएं हो गई। अब जो तीसरी संक्रिया है वो हम क्या करते, देखिए R1 में जैसे परिवर्तन हमने कर दिया, R1-R2 ये लिख दिया, R2-1 में परिवर्तन R1+R2 कर दिया, +R3 कर दिया, ऐसे ही C1 में C1+KC2 कर दिया, C2 में C2+KC3+C1, इस तरह से कि हम यदि चाहें तो किन्हीं दो पंक्तियों के संगत अवयवों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे R1-R2 का मतलब क्या होगा कि R1 के पहले अवयव से R2 का पहला अवयव घटा दिया गया, R1 के दूसरे अवयव से R2 का दूसरा अवयव घटा दिया गया, R1 के तीसरे अवयव से R2 का तीसरा अवयव घटा दिया गया। ऐसे यहाँ पर R1 R2 प्लस R3 है, तो पहले तीनों अवयव जोड़ दिए गए, जो आया वो पहला अवयव बनेगा। दूसरे नंबर पर जो तीनों के अवयव थे, दूसरे अवयव R1, R2, R3 के, उनको जोड़ दिया तो दूसरा अवयव बन जाएगा। और यदि तीनों तीसरे अवयव तीनों पंक्तियों के जोड़ देंगे तो R1 में तीसरा अवयव बन जाएगा। ये हम परिवर्तन कर सकते हैं, कि नहीं दो पंक्तियों की गुणा नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते। और जो नियम हमने यहाँ बताया कि किसी पंक्ति किसी स्तंभ की किसी अशून्य संख्या से गुणा कर सकते, तो गुणा करने के पश्चात भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे लिखा C1 में परिवर्तन C1+KC2, हमें यदि आवश्यक हो तो C2 की K से गुणा कर लिया फिर C1 में जोड़ दिया, घटा भी सकते हैं, यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये हैं हमारी प्रारंभिक संक्रियाएं।
और प्रारंभिक संक्रियाओं के केवल ये तीन ही नियम हैं। अब जब क्वेश्चन में कहेगा प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण तो हम पंक्तियों को लेकर चलेंगे, और जब कहेगा प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण तो हम स्तंभों को लेकर चलेंगे। कुछ नहीं कहेगा, केवल प्रारंभिक रूपांतरण क्वेश्चन में लिखा तो हम पंक्तियों को लेकर चलेंगे। जो रूपांतरण हम करेंगे, जो भी संक्रिया हम लगाएंगे वो पंक्तियों में लगाएंगे। जब विशेष रूप से कहेगा कि प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण द्वारा, तब स्तंभों में परिवर्तन किया जाएगा, तब स्तंभ लिए जाएंगे। अब इसके बाद ये देखते हैं कि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कैसे करते हैं। ये तो प्रारंभिक संक्रिया के अंतर्गत तीन नियम थे, बुक में लिखे हुए हैं, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रारंभिक संक्रिया हमने पढ़ ली, अब हम आव्यूह का व्युत्क्रम प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ज्ञात कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्रारंभिक संक्रिया, बीच में हम क्वेश्चन में प्रारंभिक संक्रिया लगा देंगे। यहाँ पर प्रारंभिक संक्रियाओं के अंतर्गत तीन नियम थे, उन तीनों नियमों को अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी उनका प्रयोग समझ में आएगा। प्रारंभिक संक्रिया ये हो गया, एलिमेंट्री ऑपरेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एलिमेंट्री ऑपरेशन। जैसे ए बराबर हमने लिख दिया आई ए, ये कौन सा नियम है, ये है आव्यूह के गुणन का कौन सा नियम, तत्समक नियम। गुणन का कौन सा नियम है, तत्समक नियम है। तत्समक नियम के अंतर्गत क्या होता है, आई को यहाँ पर तत्समक बोलेंगे, तो आई की गुणा यदि हम ए से करते हैं तो ए ही आएगा, अर्थात ए बराबर आई ए हम लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रिया पर आएंगे। अब प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे कैसे, क्या उद्देश्य है हमारा, तो यहाँ पर देखिए इनवर्स कब बनेगा, जब हम ए बी बराबर आई ले आएंगे या फिर हम बी ए बराबर आई ले आएंगे। देखिए यहाँ ए बाद में लिखा है तो हमें क्या लाना है, बी ए बराबर आई, ये हमें लाना है रिजल्ट, बी ए बराबर आई लाना है। अर्थात इसको हम पलट कर लिख दें तो आई बराबर बी ए हमें इस रूप में बनाना है, जो ये ए था इसको हमें प्रारंभिक संक्रिया द्वारा परिवर्तित कर देना है आई में, और जो ये हमारा आई था, आई जो था हमारा, इसको हमें बदल देना है किसमें, बी में, और ये ए ही रहेगा। और इस स्थिति में जब ये स्थिति बन जाएगी प्रारंभिक संक्रिया के पश्चात, तो जो हमारा बी होगा वो ए का इनवर्स होगा, जो बी गुणे में ए के लिखा हो बराबर इधर आई आ जाएगा, तो बी को हम ए इनवर्स कह देंगे, जो यहाँ बनेगा उसको ए इनवर्स बराबर लिख दिया जाएगा। क्या करना है, ए बराबर आई ए ये गुणन का तत्समक नियम है, यहाँ से हमें लेकर चलना है। अब इस आई को बदल देंगे, आई को नहीं बदलेंगे, मेनली हम ए को आई में बदल देंगे, और जैसे ही हम प्रारंभिक संक्रिया या प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा ए को इकाई आव्यूह बनाएंगे तो संक्रिया तो लगाएंगे ही, हमें जीरो जीरो करना पड़ेगा, तो आई जो होगा उसमें भी संक्रिया बराबर लगती रहेगी, तो वो कोई अन्य आव्यूह हमारा बन जाएगा, यहां पर बी कोई अन्य आव्यूह बन जाएगा बी, तो वो जो आव्यूह बनेगा वही ए का इनवर्स कहा जाएगा। बस इतनी इनवर्स की थ्योरी है, फिर से समझ लीजिए, इसमें हमें क्या करना है, इनवर्स की परिभाषा से ए बी बराबर आई आ जाए और बी ए बराबर आई आ जाए तो हम बी को ए का इनवर्स कहते थे कि आव्यूह भी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है। अब इसके बाद यही हमें करना, ए बराबर आई ए लिखा हुआ है तो हम ये रिजल्ट बना लेते हैं, आई बराबर बी ए ये हमने लिख दिया, तो जो एलएचएस में लिखा हुआ था ए उसमें प्रारंभिक संक्रिया हमने लगाई तो क्या बन गया, आई बन गया, और ये हमारा आई जो होगा उसमें भी प्रारंभिक संक्रिया लगती जाएगी तो वो कोई और आव्यूह बन जाएगा, आई तो वो रहेगा नहीं, तो ये बी बन जाएगा, तो बी को ए का इनवर्स कह देंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आई हमारा क्या था, आई जो था वो पहले नंबर पर वर्ग आव्यूह था, इसके बाद वो विकर्ण आव्यूह, आई की परिभाषा इकाई आव्यूह की परिभाषा क्या होती, ये एक विकर्ण आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य होते हैं, ये डिफिनीशन है इसकी, और इसी के आधार पर यह हल होगा।
विकर्ण आवयु जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य होते हैं, अर्थात वे अवयव जिनके लिए पंक्ति और स्तंभ का मान समान है वो जीरो नहीं होंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे, एक। बाकी सब क्या हो जाएंगे, एक। तो वो हमारा आई बनता था। तो विकर्ण आवयु आई एक ऐसा विकर्ण आवयु है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अशून्य और उनका मान कितना, एक होता था। जैसे 2x2 का एक, 0 0 1 करते थे, 3 लिखते थे, 3x1 का एक, 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखते थे। देखिए मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो एक हैं, वो जीरो नहीं है। बाकी सब जो भी मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं हैं वो सब शून्य हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा पर आते हैं, ऐसा विकर्ण आवयु। तो ए को आई के रूप में बदलने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि ए को प्रारंभिक संक्रिया लगाते हुए हम पहले विकर्ण आवयु बनाएंगे, अर्थात जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, ऐसे अवयव जो विकर्ण के अवयव नहीं हैं, पहले उनको एक एक करके जीरो कर लेंगे और इसके बाद में आगे हम इसको वन वन बना देंगे। इसके क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें हमें a बराबर दिया गया है, पहली पंक्ति के अवयव हैं a माइन एक माइनस एक, दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 2 3। i बराबर ये हम लिख लेंगे, जिस कोटि का आव्यूह हमको दिया गया होगा उसी कोटि का हम वर्ग आव्यूह यहाँ पर लिख लेंगे। i उसी कोटि का आव्यूह i हम लिख लेंगे। 2x2 का दिया, 2x2 का लिख लिया। शुरुआत कहाँ से करेंगे, a बराबर i a से। तो हम किसके किसके मान रखेंगे, इस a का मान रख देते हैं, ये आ जाएगा 1 2 -1 आएगा और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। बराबर i क्या लिखा हुआ है, 1 0 0 1 ये दिया गया है हमारा। अब हम प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे, तो उसमें हमने 3 नियम बताए थे, उन्हीं नियमों का प्रयोग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर माइनस एक, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है तो इसे हमें जीरो करना है, और जो ये 2 है इसे हमें जीरो करना है। एक एक करके हम जीरो करेंगे। तो माइनस एक ये जुड़ सकता है 3 में और ये घट सकता है, 3 में से ही इसको घटाया जा सकता है क्योंकि ये पहली पंक्ति के अवयव हैं, ये दूसरी पंक्ति के अवयव हैं। तो माइनस एक के सामने 3, दूसरे अवयव 3 है तो इसी में घटेगा। तो हम R1 में परिवर्तन करना चाहते हैं तो R1 क्या किया कि 3 लगा देंगे, अर्थात R1 में परिवर्तन हमने किया। अब क्या परिवर्तन किया, या जीरो लाना है। तो यहां यदि -3 होता और उसमें हम इसको जोड़ देते तो जीरो आ जाता, तो ये हो जाता 3R1 + R2, ये हो जाता यहां पर। देखिए 3R1 + R2, तो 3 × 3 माइनस का और प्लस 3 जोड़ देंगे, जीरो हो जाएगा। इधर ये क्या बन जाएगा, 3 × 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ जीरो बन जाएगा। दूसरी पंक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था तो ये आ जाएगा। यहाँ पर पहला अवयव ज्ञात करने के लिए R1 का पहला अवयव, R2 का पहला अवयव रखिए, 3 × 1 + 2 तो कितना 5 आएगा, और यहाँ 3 − 1 + 3 तो ये जीरो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी लगाएंगे तो 3 × 3 + 0 तो ये 3 आ जाएगा, 3 0 0 और प्लस ये 1 आ जाएगा, यहाँ 0 1 हो जाएगा, ये हमारा आ गया। हमने दोनों आव्यूहों में संक्रिया लगा दी, ये हमने -1 को जीरो कर लिया। अब हम इस 2 को जीरो करेंगे तो हमें R2 में परिवर्तन करना पड़ेगा, यहाँ 2 है सामने इसके है 5, तो 5 की सहायता से इसको जीरो बनाएंगे। तो इसकी हम 5 से गुणा कर दें तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और इसकी गुणा कर दें हम 2 से तो 5 से गुणा हम 2 की कर रहे हैं, अर्थात R2 में है 2 तो R2 की गुणा 5 से करनी पड़ेगी, और 2 की गुणा कर रहे हैं हम 5 से तो 5 R1 का तो R1, दोनों के चिन्ह समान होंगे, 10 यहाँ भी आएगा 10 यहाँ भी, तो हम घटा देंगे। तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा,
5-0 लिखा रहेगा। ये पहली पंक्ति में मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि इसमें तो जो विकर्ण का अवयव नहीं था वो जीरो हो गया, और जो विकर्ण का अवयव था वो शून्य है, वो जीरो नहीं। यहाँ पर 5 × 2 तो 5 × 2 = 10, -2 × 5 = 10, तो ये जीरो आ जाएगा। यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 15। देखिए दूसरा अवयव जब रखेंगे तो आएगा 15, तो 5 × 3 -2 × 0 15 आ जाएगा। इधर क्या जाएगा भाई, R1 में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, अब R2 में परिवर्तन करेंगे। 5 × 2 तो 5 × 0 -2 × 3 पहला अवयव दोनों का रख देंगे, तो 5 × 0 0 आएगा, -2 × 3 -6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 × 1 1 रख देंगे, तो 5 × 1 5 -2 × 1 2, तो 5 में से 1 गया 3 बचा, ये आ गया हमारा, ये हो गया। अब इतना करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 15 है, तो R1 को हम भाग करेंगे R1/5। तो यदि हम R1 को 5 से भाग कर दें, यहाँ तो 0 है, किसी से भी भाग करें 0 बना रहेगा, 5 है 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ 15 है तो R2 को हम किस से भाग कर देंगे, 15 से भाग कर देंगे, तो हमारा आएगा क्या, देखिए 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 0 था, 1 0 आ जाएगा। 15 से इसको भाग करेंगे तो 0 15 था, ये 0 1 आ जाएगा। देखिए बन गया हमारा आई, ये है आई। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 5 से इसको भाग करेंगे तो ये 3/5 आएगा, 5 ये 1/5 आएगा, और यहाँ पर 15 से इसको भाग करेंगे तो -6/15 आ जाएगा, और ये 3/15 हो जाएगा। ये ए लिखा हुआ था। अब देखिए ए के साथ गुणे में एक दूसरा आव्यूह लिखा हुआ है और उसका गुणनफल आई के बराबर है, लिखेंगे इसलिए ए इनवर्स, तो जो लिखा हुआ है गुणे में जिसके साथ ए का गुणनफल आई बन गया है, तो वही इसका इनवर्स कहा जाएगा। 3/5 1/5 माइनस इसको हल करेंगे तो 2/5 3 से काट देंगे, और इसको 3 से काट देंगे तो ये 1/5 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें फिर से समझ लीजिए, हमने -1 और 2 ये दोनों विकर्ण के अवयव नहीं थे, तो पहले हमने इनको 0 बनाया, भाई -1 3 की सहायता से 0 बन सकता है, तो -1 की गुणा कितने से कर दें कि यहीं आ जाए, 1 की गुणा 3 से करेंगे 3 आएगा, माइनस है जोड़ देंगे आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम 3R1+R2 लगा दिए, ये हो गया। इसके बाद ठीक है, इसे हमने 2 को 0 बनाया है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो विकर्ण के अवयव नहीं हैं उनको 1-1 करके हम 0 बना लेंगे 2×2 में, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो यहाँ आए मुख्य विकर्ण के स्थान में पहली पंक्ति में सभी 0 हो जाएंगे, केवल एक अवयव अशून्य रहेगा। तो जो 5 आया तो 5 से भाग कर दिया, 10 आता तो R1 को 10 से भाग कर देते, यहाँ 15 आया है R2 में, देखो 0 है 15 है, तो यहाँ 15 आ गया, ये मुख्य विकर्ण का अवयव 15 है, इसलिए ये विकर्ण आव्यूह तो है लेकिन इकाई आव्यूह नहीं, इसलिए इसको हमने 15 से भाग कर दिया। तो ये हमारा, ये 5 से भाग किया तो ये 1 0 बना, और ये 0 1 बना। उधर भी हमने 5 से पहली पंक्ति में भाग कर दिया, प्रत्येक अवयव को 3 को 5 से भाग करेंगे, 1 को 5 से भाग करेंगे, ठीक ऐसे ही -6 को दूसरी पंक्ति का था तो दूसरी पंक्ति को हमने 15 से भाग किया, तो -6 को 15 से भाग करेंगे, 3 को 15 से भाग करेंगे, और फिर हल करके इसको इस प्रकार लिख देंगे। तो जो एक एक गुणे में हमारा बनेगा, जिसका गुणनफल बराबर आई आ गया है, तो उसे ही हम इसका इनवर्स कह देंगे। ये 2×2 का इनवर्स निकालने की विधि थी। देखिए जो पहले हमने क्वेश्चन बताया था उसमें हमने संक्रिया डायरेक्ट लगा थी, इसमें हमने संक्रिया लगाएंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं, उसको हम समझा देंगे अच्छे से, क्लियर हो जाएगी। पहले ये समझ लेना कि कौन से विकर्ण के अवयव नहीं हैं। पहले हम लिखेंगे ए बराबर आई, ए यहीं से ऊपर लिख दीजिए गुणन के तत्समक नियम के अनुसार, या ना लिखिए तो भी सही। तो यहाँ ए का मान रखते हैं, तो ए का मान है 1, 2, यह है 3, और यहाँ पर है ये 7, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, बराबर आई का मान है ये 1, 0, और ये है 0, ये है 1,
अब यहाँ संक्रिया लगाएंगे तो इधर समझ लीजिए संक्रिया लगाएंगे कैसे। यहाँ पर देखिए हमें किसको किसको जीरो करना है, जो विकर्ण के अवयव नहीं है और विकर्ण के अवयव होते कौन, जिनके लिए पंक्ति और स्तंभ का मान बराबर, जो जिस पंक्ति के हैं उसी स्तंभ के हैं। तो जो एक है ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव, तो इसको जीरो नहीं करना है क्योंकि ये जिस पंक्ति का है उसी स्तंभ का है। ए वन वन है ये, तो ये वन वन पंक्ति स्तंभ बराबर, तो ये विकर्ण का अवयव है। साथ देखिए दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो ये भी यहाँ पर विकर्ण का अवयव होगा। तो एक और सात विकर्ण के अवयव बचे कौन, तीन और दो। इन दोनों अवयवों के लिए पंक्ति स्तंभ के मान बराबर नहीं, अर्थात जिस पंक्ति के हैं उस स्तंभ के नहीं, तो इन्हीं दोनों को जीरो करना है। तो हम यदि तीन को जीरो करेंगे, सात की सहायता से जीरो हमको करना है तीन को, तो यह बहुत कठिन हो जाएगा, गुणा हमको करनी पड़ेगी। गुणा तो हम कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन यह कठिन हो जाएगा। तो हम पहले दो को जीरो करते हैं, जिसको जीरो करना आसान हो पहले उसको जीरो, ये दो को जीरो करते हैं। तो दो यहां पर हम एक गोले के अंदर लिख लेंगे, ऊपर नीचे इसके लिख देंगे, ये किस पंक्ति का है, R2 का है ये, R2 का है ये। अब यहां पर इसके सामने आ रहा है एक, और ये किस पंक्ति का है, R1 का है, हमें जीरो करना है। तो यहाँ पर दो है यहाँ पर एक है, तो यदि हम इस एक की गुणा दो से कर दें और फिर इसमें से माइनस कर दें, तो जो हमारा बनेगा वो जीरो बन जाएगा। यदि हम एक की गुणा दो से कर दें और इसमें से ये दो में से एक की गुणा दो से करके माइनस करें, जीरो बन जाएगा। तो देखिए जीरो हमको बनाना कहाँ पर है, दो के स्थान पर, अर्थात दूसरी पंक्ति में हमें जीरो बनाना है। तो जो हमको प्राप्त होगा वो किस पंक्ति का अवयव होगा, R2 का अवयव होगा। अब हमने देखा जो पहले जीरो कर लिया ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, R2 माइनस लगाएंगे, R1 की गुणा हमने दो से की थी तो गुणे में दो लिख देंगे और यहाँ बराबर लगा देंगे, अर्थात हमें R2 में परिवर्तन क्या करना है, R2 माइनस 2R1, ये परिवर्तन करना है। तो R2, R2 में परिवर्तन R2 माइनस 2R1, तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, हमने R1 में परिवर्तन नहीं किया तो ये एक तीन दो सात ये इसी प्रकार लिखा रहेगा। इसके सॉरी दो सात R2 बदल जाएगी, यहाँ पर लिख दिया था, देखिए यहाँ जीरो आ जाएगा। और जब हमको निकालना होगा R2, तो सात है यहाँ पर माइनस दो गुणे, जब दूसरा अवयव निकालना हो तो दूसरा अवयव यहाँ रख दो, R2 का दूसरा अवयव सात माइनस दो गुणे पहले दूसरा अवयव R1 का, तो तीन, तो सात माइनस दो गुणे तीन, सात माइनस छः, तो यहाँ पर आएगा एक। भाई दूसरा अवयव निकालना है तो R2 का दूसरा अवयव R1 का दूसरा अवयव रख दीजिए, हल कर लीजिए, आ जाएगा। अब इसके बाद इधर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक जीरो पहली पंक्ति में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन दूसरी पंक्ति में परिवर्तन किया, तो R2 माइनस 2R1, तो पहला अवयव निकालना है तो यहां रख देंगे जीरो, यहां रख देंगे जीरो माइनस दो गुणे सॉरी R2 जीरो माइनस दो गुणे, देखिए यहां पर जीरो माइनस दो गुणे एक रख दिया तो ये माइनस दो आ जाएगा। अच्छा यहां क्या आ जाएगा, R2 का मान यहां पर एक है, R1 का मान यहां पर जीरो है, तो एक माइनस जीरो तो ये एक हो जाएगा, ये यहाँ पर ए आ जाएगा। तो जो हमने संक्रिया लगाई थी उसी के अनुरूप ए और आई दोनों को हमने परिवर्तित कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस तीन को जीरो करते हैं। अब इधर देखते हैं, जरा ध्यान देते हैं भाई, ये तीन जो है ये किसका अवयव है, R1 का अवयव है, और किसकी सहायता से जीरो करना है, एक की सहायता से। ये एक किसका अवयव है, R2 का अवयव है, हमें बराबर लाना है जीरो, कहाँ पर जीरो लाना है हमको, R1 के दूसरे अवयव के स्थान पर, तीन के स्थान पर हमें जीरो लाना है, तो मीन्स R1 में हमें जीरो लाना है, R1 का अवयव होगा जो जीरो आएगा, तो R1 में परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है, तीन प्लस का है एक भी प्लस का है, तो माइनस तो करेंगे ही, लेकिन जीरो नहीं आएगा भाई, तीन में से एक माइनस करें दो आएगा, जीरो कब आएगा, जब हम इसकी तीन से गुणा करके माइनस करें। तो यहाँ पर ये सॉरी ये R2 का, ये R1 का है,
ये आर टू का, ठीक है, तो यहाँ तीन से गुणा कर देंगे। तो देखिए आर वन में परिवर्तन हमें क्या करना पड़ेगा, आर वन में से आर टू का तीन गुना, आर टू की गुणा तीन से किए, जैसे हमने तीन माइनस एक दो आएगा जीरो, नहीं तो तीन से गुणा कर ली, फिर घटाएंगे तो जीरो आएगा। तो जो वहाँ नीचे संक्रिया बनी है वही यहाँ लिख देंगे, आर वन में परिवर्तन करेंगे आर वन माइनस थ्री आर टू, ये परिवर्तन करेंगे। देखिए पहला अवयव निकालना है तो एक माइनस तीन गुणे जीरो एक ही आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो एक आ गया, हम विकर्ण आव्यूह बना रहे थे आई बन गया, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा। देखिए अब यहाँ प्रथम अवयव निकालना है आर वन का पहला अवयव, तो सबकी जगह पहला अवयव रख दो, तो एक माइनस तीन माइनस दो, तो एक माइनस तीन माइनस दो, तो ये आ जाएगा हमारा सात। देखिए एक माइनस तीन माइनस दो, तीन दूनी छः, एक सात हो जाएगा, यहाँ पर जीरो माइनस तीन गुणे एक, तो ये माइनस का तीन आ जाएगा, और ये माइनस दो और एक ये लिखा हुआ था। अब हमने जो विकर्ण आव्यूह बनाया था इसको, ये विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह है, मुख्य विकर्ण के जो अवयव थे वो एक एक बन गए, तो इसलिए ए इनवर्स बराबर हम क्या लिख देंगे, सात माइनस तीन माइनस दो एक, ये हमारा आंसर आ गया, ये है ए इनवर्स, जो ए के गुणे में है, जब एक और आई आ गया, इधर आई आ गया, तो ए के गुणे में जो भी है वो ए इनवर्स कहा जाएगा। इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं, इस तरह से हम संक्रिया लगाते हैं, ध्यान से देख लीजिए, जिसको हमने जीरो किया उसकी संक्रिया इधर लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के लगा लीजिए। देखिए ये हमने दो क्वेश्चन बता दिए जिसमें ए इनवर्स निकलता, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जिनका इनवर्स संभव नहीं होता है उनके लिए क्या कंडीशन होती है। हमने दो क्वेश्चन बताए, इन दो क्वेश्चंस में केवल मेथड को समझेंगे, कैसे जीरो बनाते हैं ये समझेंगे, वो अलग रफ पर, जैसे हमने इस क्वेश्चन को लगाया था और तीन को जीरो बनाया था, ये दो को जीरो एक की सहायता से बनाया था, तो हमने इधर लिख लिया था कि दो अलग एक अलग बराबर जीरो अलग, फिर उसी तरह से इसमें भी जीरो बनाएंगे और उसी तरह से ही संक्रिया बना सकते हैं, और कोई दूसरा नियम नहीं है। और ये विधि दिमाग में रखेंगे बेटा, ये विधि जो हमने बताई है इधर बनाकर अवयव निकाल निकाल कर, ये बुक में नहीं लिखी होगी, बुक में ये सब अंडरस्टूड रहता है। यहाँ पर ए बराबर ये यदि दिया गया तो शुरुआत हम ए बराबर आई ए से करेंगे, देखिए ए बराबर आई ए से करेंगे शुरुआत, तो ये छः ये माइनस दो आ जाएगा, ये माइनस तीन और ये एक आ जाएगा, बराबर क्या होगा एक जीरो जीरो एक, ये ए आ गया। अब इसके बाद हमें जीरो किसे करना है, हमें जीरो करना है माइनस तीन और माइनस दो को, तो माइनस तीन को हम जीरो करते हैं, तो देखिए यहाँ हम बना लेते हैं पहले, इसके बाद मिटा देंगे, तो माइनस तीन ये आर वन का अवयव है, माइनस तीन को हम जीरो कर रहे हैं, और किसकी सहायता से, एक की सहायता से, ये आर टू का अवयव है, बराबर जीरो आएगा, तो तीन के स्थान पर जीरो बनेगा, तो आर वन में जीरो हमें लाना, तो आर वन बराबर जो भी संक्रिया आई, तो माइनस तीन है और इसमें यदि हम माइनस है ये प्लस का है जोड़ देंगे, लेकिन माइनस तीन एक जोड़ेंगे तो माइनस दो आएगा, लेकिन यदि हम इसकी तीन से गुणा कर दें तो जीरो आ जाएगा, तो तीन से इसकी गुणा कर दीजिए फिर जोड़ दीजिए, आर वन प्लस तीन गुणे आर टू बराबर आर वन, ये परिवर्तन हम इसमें करेंगे, और जैसे ही ये परिवर्तन करेंगे देखते हैं क्या आएगा। परिवर्तन हम समझा चुके हैं, देखिए आर वन में परिवर्तन क्या किया जाएगा, आर वन प्लस थ्री आर टू, ये परिवर्तन करेंगे, जो भी आए माइनस तीन को जीरो बनाना है, जो भी आएगा तो जीरो बना लेंगे। यहाँ पर पहला अवयव हमें निकालना पड़ेगा, जब ये बदलेंगे तो ये भी बदल जाएगा, तो छः यहाँ रख देंगे प्लस तीन गुणे यहाँ माइनस दो आ जाएगा, तो छः प्लस तीन गुणे माइनस दो, तो छः माइनस छः, तो यहाँ भी जीरो बन जाएगा, यहाँ तो जीरो बनाने के लिए हमने किया ही था, यहाँ भी जीरो बन गया और ये माइनस दो और एक हो गया। इधर भी संक्रिया लगा लेते हैं, यहाँ पर आर वन प्लस थ्री आर टू, तो ये एक आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा तीन, ये जीरो और एक हो जाएगा, ये ए आ गया। अब ध्यान से देखिए
क्या ये विकर्ण आव्यूह बना है? विकर्ण आव्यूह यदि ये बन रहा होता तो ये ए वन वन जो ये जीरो न हो गया होता। तो यदि प्रारंभिक संक्रिया लगाने पर किसी भी आव्यूह में, जैसे ए में हमने लगाई, तो किसी भी आव्यूह ए में किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाएं या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उसके ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। देखिए, पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो गए, ऐसे ही हम दूसरी पंक्ति में इस माइनस दो को जीरो बनाते तो बनाकर देख लीजिएगा, दूसरी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाएंगे। लिखेंगे अतः ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स परिभाषित नहीं है, ये इनवर्स का अस्तित्व नहीं, या ए इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। इसके लिए ए इनवर्स परिभाषित नहीं, अर्थात ए की गुणा हम किसी भी आव्यूह से कर दें, आई कभी आएगा ही नहीं। अगर आना होता तो ये जीरो ना हो गया होता। पहली पंक्ति के सभी अवयव जीरो, तो ए इनवर्स परिभाषित नहीं। जब हम पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो ऐसे ही आव्यूह कहे जाते हैं अव्युत्क्रमणीय। जो ये आव्यूह दिया गया है ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो जो विकर्ण के अवयव नहीं हैं उनको जीरो बनाते हुए यदि किसी पंक्ति के सभी अवयव जीरो आ जाते हैं तो उनका ए इनवर्स परिभाषित नहीं, उनका ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। केवल ए इनवर्स उनका ज्ञात किया जा सकता है जिसमें पंक्ति के सभी अवयव जीरो न हो, केवल वे अवयव जीरो हों जो विकर्ण के अवयव नहीं है, बाकी जो विकर्ण का अवयव है वो शून्य नहीं हो सकता। इस बात को याद रखेंगे। इस वीडियो में हमने तीन क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 के इनवर्स कैसे निकालेंगे इसका। तो इसके जितने भी क्वेश्चन उदाहरण में दिए गए हैं एक्सरसाइज में है, वो सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा।